जिला चंबा की चुराह उपमंडल की तीसा प्रथम पंचायत के खखड़ी जंगल में भड़की आग की चपेट में आने से सेब के बगीचों में फलों समेत 51 पेड़ नष्ट हो गए हैं। इससे बागवानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभावितों के बगीचे को पहुंचे नुकसान की सूचना मिलने पर पंचायत प्रधान तीसा प्रथम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पटवारी को सूचना दी। चुनाव ड्यूटी पर होने के कारण पटवारी ने जल्द प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर नुकसान का आकलन करने की बात कही है। तहसीलदार ने भी पटवारी को मौके पर भेजने और नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की बात कही है। दरअसल खखड़ी जंगल में बीते सोमवार को शरारती तत्वों ने आग भड़का दी थी। वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। सूखी घास में भड़की आग की चिंगारी ने देखते ही देखते भयंकर रूप धारण कर लिया। इससे आग कई किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। इससे जीव जंतुओं समेत बहुमूल्य वन संपदा जलकर राख हो गई। उधर खखड़ी निवासी बागवान तेज सिंह पुत्र चंदू राम के सेब के 24 पौधे जल गए हैं। इन पौधों की उम्र 10 से 15 वर्ष थी। इससे बागवान को काफी नुकसान हुआ है। बागवान धर्म सिंह पुत्र पुरुषोत्तम के सेब के 27 पौधे जल गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अग्निशमन विभाग को सूचित किया, लेकिन अग्निशमन विभाग की पाइपलाइन समय पर बगीचों तक नहीं पहुंचने से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बागवानों समेत ग्रामीणों से मिलकर सेब बगीचों में मिट्टी डालकर आग बुझाई गई। तीसा प्रथम की प्रधान सीमा महाजन ने कहा कि दो प्रभावितों के सेब बगीचों में फल समेत पौधे जल गए हैं। पटवारी को सूचित कर दिया है। प्रशासन से प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। तहसीलदार चुराह राकेश कुमार ने कहा कि वे चुनाव ड्यूटी पर हैं। उन्हें सूचना मिली है। संबंधित पटवारी को मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन करवाकर प्रभावित को हर संभव सहायता देने के प्रयास किए जाएंगे।